कोरोना की भीषण महामारी के दौरान अपना अहम योगदान देने वाले संविदा कर्मियों को अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते नौकरी पर रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी कम होते ही सरकार ने इन्हें नौकरी से हटा दिया, जिसके खिलाफ स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूनियन ने उग्र प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया है। कोरोना के समय उत्तराखंड के दून अस्पताल में स्टाफ की कमी के चलते संविदा कर्मियों को नौकरी पर रखा गया था, जिससे कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की देखभाल में इन कर्मियों ने अपना अहम योगदान दिया। लेकिन कोरोना का प्रकोप कम होते ही सरकार ने इन्हें पिछले वर्ष ही नौकरी से हटा दिया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया तो कुछ कर्मचारियों को 6 महीने के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया था। लेकिन पिछले साल अक्टूबर में मिला सेवा विस्तार इस साल 15 मार्च को खत्म हो गया, जिसके विस्तार की मांग को रखते हुए स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूनियन ने उत्तराखंड सचिवालय का घेराव किया है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं कर्मचारियों के एक साथ चले जाने से दून अस्पताल में स्टाफ की कमी देखी जा रही है, जिससे मरीजों की देखभाल करने समेत सभी कामकाज ठप हो गए हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के प्रथम सिंगरौली आगमन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदक राजेंद्र सिंह परमार, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सिंगरौली। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।